बुलंदशहर में किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सरकार गौशाला के नाम पर किसानों को बेवकूफ बना रही है। गौशाला कहीं नहीं बनी, सिर्फ कागजों में गौशाला बनी हुई दिखाई देती है। सरकार आवारा पशुओं के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। किसानों को गन्ने का भुगतान सही समय पर नहीं मिल पा रहा। किसानों की समस्याएं किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा रही है। इसलिए आज विराट किसान मेला में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद हैं और मंत्री जी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। अगर मंत्री जी ने किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाला तो वह मंत्री जी का घेराव करेंगे। ये विशाल विराट मेला है, क्या है? विराट किसान मेला। विराट किसान मेला स्टार्ट कर दो। जिसके सर आज जो है बुलंदशहर के अंदर किसान विराट किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ किसानों की समस्याएं के लिए जो है मंत्री जी का आह्वान भी होगा। ये नई नई तरह की सभी डिपार्टमेंट के किसान संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग कैंप लगाए हुए हैं। तो आज किसान यूनियन का जो है यहाँ पर हल्ला बोल जो है किसान यूनियन का जो मामला है कि आप लोग क्या ज्ञापन देने वाले, क्या क्या मांगे? हम यहाँ मंत्री जी को सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन देंगे। और हमारे ज्ञापन में कई मांग हैं जो जिनसे किसान प्रभावित है। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि आवारा पशुओं के द्वारा हमारी फसलों का नष्टीकरण हो रहा पूरी तरीके से। जैसे योगी सरकार बता रही है कि जगह जगह जो गौशाला खुलवाई जा रही है। हाँ, गौशाला खुलवाई जा रही है केवल कागजों में। अभी आवारा पशु किसानों के खेतों में, अभी वो गौशालाओं में नहीं पहुँचे हैं। और लगता है शायद जब तक वो गौशालाओं में पहुँचेंगे उससे पहले वो किसानों की फसलों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे। किसान रात दिन अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, बहुत मजबूत पहरा देने के बावजूद भी किसान की नज़र बचते ही आवारा पशु उसकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूर्ण रूप से। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे ये असमय बारिश पड़ी है, इससे किसानों की फसल चौपट हो गई है। इसका आंकलन करा के इसके नुकसान का की जो है भरपाई किसानों की सरकार करे। तीसरी हमारी मांग ये है सरकार से कि जिस तरह से किसान हरियाणा में, हरियाणा की सरकार हरियाणा प्रदेश में किसानों की बिजली मुफ्त दे रही है, वहाँ के प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेश की सरकार भी किसानों की बिजली मुफ्त करे। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इन्हें लेकर आज हम उनका धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। जैसे कि सरकार ने जो है किसानों के लिए एक योजना लागू की, 3 किस्तों में 2,000 रुपये 6,000 रुपये दे रही है किसानों को, जो है क्या किसान खुश है कि नहीं उस योजना से? किसान सरकार ने, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार का कि कम से कम उसने ये मान लिया कि हाँ किसान वास्तव में परेशान है, किसान की मदद होनी चाहिए। अगर सरकार ने ये माना है कि किसान की मदद होनी चाहिए तो यही हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते थे कि किसान परेशान है, लेकिन सरकार ने मान लिया। अब उसने 2,000 रुपये तिमाही के हिसाब से किसानों को जो है सहायता राशि भी प्रस्तुत करी है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ बहुत पुरानी के डूबते को तिनके का भी सहारा, ये किसानों को तिनके के सहारे के रूप में काम करेगा। आने वाले समय में ये जो है किसान इससे कुछ लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन अभी है फिलहाल डूबते को तिनके का सहारा। क्या 6,000 रुपये में किसान जो है अपने जो नुकसान है उसको? 6,000 रुपये उसे एक साथ नहीं मिलेंगे, 6,000 रुपये भी 3 किस्तों में लेंगे 3 महीने बाद। तो आप देख रहे हैं 1,400 रुपये का तो एक कट्टा है ढाई का। इसके अलावा सरकार की मांग, सरकार कह रहा है कि अपने किसानों के लिए काफ़ी जो है योजनाएं चला रखी हैं, क्या किसानों को इसका लाभ मिल पा रही है? अच्छा, किसानों के लिए सरकार का कहना है कि उन्होंने बहुत योजना किसानों के लिए चला रखी है, लेकिन किसान फिर भी पूर्ण रूप से कहूँगा पूर्ण रूप से किसान बैंकों में गिरवी रखा है। किसान के ऊपर किस कदर उसकी ज़मीन के ऊपर KCC कार्ड है, लोन है, ब्याज है, पशुओं के ऊपर जो है लोन है। अगर किसानों का भविष्य अच्छा होता तो शायद किसान को लोन लेने की जरूरत जो है ना पड़ती। मेरा सरकार से ये निवेदन है
कि वो एक बार किसान को कर्ज मुक्त कर दे और फिर उसकी फसलों का वाजिब दाम उसे मिलता रहे, तो शायद किसान को लोन लेने की जरूरत ना। जैसे कि किसान धरना प्रदर्शन गन्ने के मूल्य के लिए लेकर, तो गन्ने का मूल्य अब सही समय पर मिल पा रहा है या नहीं? गन्ने का मूल्य सही समय पर मिलने का तो आपने देखा होगा, आपके टेलीविजन के माध्यम से, आपने अखबारों के माध्यम से देखा कितने शुगर मिल मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और वो फरार है, हाथ नहीं आ रही, प्रशासन कोशिश कर रहा होगा पकड़ने की लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, तब कहाँ से हो रहा भुगतान? अभी आपने देखा 3 शुगर मिलों का तो जनपद बुलंदशहर का वर्ष 2017-2018 का लगभग 40-45 करोड़ रुपए जो है बकाया है। जैसे कि आज बुलंदशहर के अंदर गन्ना यानी किसान मंत्री, कृषि मंत्री अबुल्लाह चौधरी में आ रहे हैं, तो आज आपका जो भारतीय किसान यूनियन वालों का क्या मामला है? क्या हमारा यही कहना है, हमें गन्ने का भुगतान दो पिछला वर्ष का, अभी तो नए वर्ष की बात सुनने में आ रहा है कि आप लोग आज गन्ना मंत्री को जो है, किसान मंत्री, कृषि मंत्री को घिराव करने वाले हैं? घिराव के लिए किसान का तो खामोखा कह देते घिराव कर रहे हैं, घिराव क्या, हमारी बात सुनी जाए, बात ना सुनेंगे तो घिराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, ज्ञापन भी अपना देने के लिए उनके लिए हमारे यहाँ।